दस्तरखान की दुनिया में मोस्ट वेलकम। आज हम चिकन सीख चिल्ली की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही माउथ वाटरिंग बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो सीख कबाब बनाए थे उसी रेसिपी से मैंने यहाँ पर सीख का कीमा तैयार किया है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेरी चिकन सीख कबाब की आपको रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर लेना और उसी हिसाब से ये कीमा बना लेना। ये मैंने जो चिकन सीख कबाब का कीमा बनाया था उसी तरह का कीमा है। ये मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। अब ये जो चिकन सीख कबाब का कीमा है उसमें हम 1 टीस्पून जितना रेड चिली सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हमने यहाँ पर डार्क सोया सॉस लिया है वो शामिल कर देंगे। हमने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन सीख कबाब का कीमा लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर एक अंडा फोड़ लिया था और उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। इसमें से हाफ पार्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए जो चिकन सीख कबाब का कीमा है उसी में मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि बहुत लूज हो गया है तो इसमें आप 2 टेबल स्पून जितना भुने चने का पाउडर आता है वो शामिल कर दें या तो फिर आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें जिससे कि ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसके हम सीख कबाब बनाएंगे। मैंने यहाँ पर जो कबाब का कीमा था उसे को फ्रिज में रख दिया था। 3-4 घंटे में ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और ये सीखे ले लेंगे। इसे पानी में भिगाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपकी सीखे टूट सकती है। आप इसे ले लें और फिर इस पर सीख कबाब बना लें। हमने यहाँ पर एक गोला ले लिया है और हाथों से पानी को अच्छे से रब करते हुए हम इस पर सीख में कबाब लगाते हुए हम एक सीख कबाब का शेप दे देंगे। हमें इसे उंगलियों से लपेटते हुए एक लंबा सा सीख कबाब तैयार कर लेना है। इसी तरह हम सभी सीख कबाब की सीखें तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरी सभी सीख बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में तेल गरम कर लिया है और उसमें ये सीख कबाब डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 5 सीख कबाब अरेंज कर दिए हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से सीख कबाब अरेंज कर सकते हैं। इसे एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाने पर हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे फ्राई होने देंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 कलियों को बारीक चॉप कर लिया था वो शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना अदरक को भी चॉप कर लिया था वो भी शामिल कर देंगे और फिर इसे हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज के चौकोर टुकड़ों में काट लिया था वो भी शामिल कर देंगे। 3-4 हरी मिर्च जो कम तीखी वाली आती है उसको लंबे टुकड़ों में काट लिया था उसे भी शामिल कर देंगे और शिमला मिर्च भी चौकोर टुकड़ों में काट कर शामिल कर देंगे। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पर हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून जितना रेड चिली सॉस शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस शामिल किया है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप के शामिल कर दिए हैं। अब ये सभी सॉस डालकर हम इसे कुछ देर के लिए अच्छे से पकाएंगे। कुछ देर के बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल लिया था वो शामिल कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सर डालकर हम आंच धीमी कर देंगे या तो गैस बंद कर देंगे और इसे चलाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी ऐड कर दें और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं। इसके बाद मैंने जो 5 सीख कबाब बनाए थे उसके छोटे छोटे कट कर लिए थे, ये टुकड़ों को हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने सिर्फ 5 सीख कबाब के ही आपको चिकन सीख चिल्ली बता रही हूँ। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप मिकदार ज़्यादा कर लें और सभी चीज़ों की मिकदार भी ज़्यादा कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। हमारी गर्मा गर्म चिकन सीख चिल्ली बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, इसे ठंडा ना होने दें नहीं तो ये इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम हमारी सीख चिकन चिल्ली बनकर तैयार है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपकी चिकन सीख चिल्ली कैसी बनी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।